हम इस बिजनेस में कैसे लेके आए, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, बहुत से लोगों के मन में डर होता है, एक हेजिटेशन होता है या डर होता है यार इसके बात कैसे करूं, इसको मैं कैसे समझाऊं, ये कहीं बुरा तो नहीं बन जाए, लड़ाई तो नहीं करने लगेगा, मतलब इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में है। इस हेजिटेशन को या डर को हमें खत्म कैसे करना है, कैसे हम खत्म करें, सबसे पहले दोस्तों हम जो भी बात करते हैं उसमें 7% रोल प्ले करता है हमारे वर्ड शब्द, लेकिन 93% रोल प्ले करते हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर। अगर हम अपने माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, थॉट प्रोसेस को ये चेंज करना है कि मुझे, हमें क्या लगता है, इसको हमें ये सामान सेल कर, इसको हमें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, इसको हमें बिजनेस में लेके आना है, इस थॉट प्रोसेस के साथ हम जाते हैं तो हेजिटेशन या डर होता है, क्योंकि हमारी उसमें एक सोच जुड़ी है। लेकिन हम यहाँ पे अगर इस प्रोसेस को सजाएंगे तो उसको अपना फ्रेंड बनाना है, कुछ भी सेल नहीं करना है हमें, हमें उसको अपना दोस्त बनाना है, तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, आप बहुत आसानी से उसको, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज है। सबसे पहले हम जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्ट आप लोग याद रखना, चाहे वो ऐसे बताऊं मैं सोशल मीडिया करता हूँ, दोनों का ही ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। हमें पहले अपने दोस्त बनाना है, अगर वो एक बार आपका अच्छा दोस्त बन गया तो आपका बिजनेस पार्टनर बाय डिफॉल्ट वो बहुत अच्छा बन गया। अब बात करते हैं इसको शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में मान के चलो कोई पर्सन बैठा है, तो हमें इसको स्टार्ट, हमें उसको अपना दोस्त बनाना, सबसे पहले बहुत तो स्माइल, बहुत सोबर तरीके से स्माइल बात करना है, हेलो सब यूज करके शुरुआत कर देना। याद रखना कि डिले मत करना है, पर जल्दी करना, क्योंकि जितना लेट हम लोग होते जाते हैं उतना हमारे मन में चीजें आती जाती है, और हमें उससे कन्वर्सेशन शुरू करना है, सर आप कहाँ तक जा रहे हैं, वो कहेगा मैं भोपाल जा रहा हूँ, वो आपसे पूछेगा आप कहाँ तक जा रहे हैं, इस तरह से हम लोग की बातचीत शुरू हो जाती है, आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। फिर सर आप क्या करते हैं, वो कहेगा मैं ऐसे ही काम करता हूँ, उसको प्रोफेशन में एंटर होगी, सर आपके आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें क्या है, उससे चले जाए, उसको बताने में भी मजा आए, क्योंकि आप उससे उससे रिगार्डिंग चीजें पूछ रहे हो सकता है वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो बताओ कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एजुकेशन का काम करता हूँ मैं, बिजनेस वगैरह बताना शुरू नहीं कर देना है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं बताना है, केवल आपको अगर वो पूछता है तो वो कहेगा इसमें क्या बताओ, इसमें हमारे पास एक एजुकेशन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर नर्सरी के लिए लेकर हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए बहुत वेराइटी कोर्सेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स, वो हो सकता है आपसे ज्यादा नहीं पूछे, और अगर ज्यादा पूछे तो उसी तरह से बताना, नहीं तो उससे आप पूछो, उससे एक कनेक्शन आपको क्रिएट करना है, एक ऐसा कनेक्शन जिससे आपसे उसकी दोस्ती से होने लगे। आप अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरा कनेक्शन ठीक क्रिएट हो रहा है और बातें अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल। बहुत से लोगों को क्या लगता है अगर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बात हो गई, लगता है अब तो उसको चेप देता हूँ फिलहाल, अब तो ये फंस गया, ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है पूरी पूरी जर्नी के दौरान, केवल आपको एक ही काम करना है, उसको अच्छा दोस्त बनाना है, अच्छा कुछ नहीं करना, कोई भी आर्गुमेंट या किसी भी तरह का अपोज, कभी कभी हम ट्रेन में बैठते हैं ना तो डिस्कशन शुरू हो जाता है किसी पॉलिटिकल डिबेट में या रिलीजन को लेके, इससे कभी बचना है, किसी भी तरह के आर्गुमेंट में आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, पहले से आप बोलना शुरू कर, चुप रहो, कम बोलो और ज्यादा सुनो। अगर वो कहता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छे, हमारा मकसद उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि उसको अपना दोस्त बनाना है, जब आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो तो सामने वाले वाले मन में एक चीज आती है कि ये भी मेरी तरह, इसलिए वो आपका दोस्त बनना उसके लिए रास्ते क्लियर हो जाते। सिंपल सी चीज है, किसी भी तरह रिलीजन पर तो कभी बोलना ही नहीं, लड़ाई तक हो जाती, ध्यान रखना है तो लाइफ में कुछ बना कुछ चीजों पर बहुत काम बोलने, क्योंकि हम प्रोफेशनल, आपको सिखाया जाता है अपना कनेक्शन उससे क्रिएट करना, नहीं होना है पूरी जर्नी के दौरान कि मुझे प्लान देना, आज ही पेमेंट लेना, ये बेवकूफी बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करना है आपको। आपको सिंपल से जब पूरी जर्नी आपकी कम होने लगे, आप हो सकता पहले स्टेशन छोड़ रहे हो या हो सकता वो छोड़ रहा हो, तो उस केस में
लास्ट में कि सर आपसे ना बात करके बड़ा मजा आया, दो तीन घंटे कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा, बहुत सी नई चीजें मैंने आपसे सीखी, उसको तारीफ करना है सर, क्या हम एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? लेकिन याद रखना दोस्तों, रिजेक्शन के लिए तैयार वो आपको अपना नंबर नहीं देता, क्योंकि कोई अजनबी को जल्दी से नंबर नहीं देता, तैयार रहना रिजेक्शन के लिए, हो सकता हो मना कर दे, हो सकता वो आपको नंबर, अगर नंबर मिल गया तो हमारा काम हो गया, जो हमें काम करना था हमने अपना काम कर लिया, लेकिन अगर वो मना कर देता है नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग हैं दुनिया में हमें कोई ना कोई हमारा दोस्त बनेगा, हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, ये इससे कोई टेंशन लेने वाली बात, ये प्रोसेस है, हम प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के लिए, अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो अपने बिजनेस को कई गुना ले सकते। जब से कोविड आया, कोविड के बाद दुनिया के सभी बिजनेस ऑनलाइन, जिन लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया उनके बिजनेस कई गुना बढ़े, और जिन लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं कर पाया वो पीछे रहे। तो हमें भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना सीखना, सोशल मीडिया पे आज पूरा दुनिया है, सोशल मीडिया से लोग बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, सोशल मीडिया से लोग शादियां कर लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस पार्टनर ही ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बस सबसे हमें वो स्किल्स मालूम होनी चाहिए कि किन तरीकों को हम यूज करें कि सोशल मीडिया से हम अपनी बिजनेस पार्टनर ढूंढ सकें। इसमें कुछ रूल्स मैं बताऊंगा आपको, कुछ स्टेप्स का फॉर्मूला बताऊंगा, अगर इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए आसान होगा सोशल मीडिया से न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, स्ट्रेंजर्स को बिजनेस में लिखना। रूल नंबर वन, याद रखना सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना है, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करना, ये बहुत से लोगों की बड़ी प्रॉब्लम कि वो सोशल मीडिया के द्वारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, उनका टाइम किल होना शुरू हो जाता है और बेकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, बहुत अच्छी चीजें भी है तो बहुत खतरनाक चीज है, और बहुत सा यूथ और बहुत से लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में, इसलिए सोशल मीडिया का अगर समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, अगर सोशल मीडिया का मिसयूज करना शुरू कर दिया तो लाइफ आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने का सबसे जबरदस्त टूल है, तरह से मान चलो। इसलिए याद रखना सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना है, सोशल मीडिया के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना। कोई भी नेगेटिव न्यूज कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना तो आप लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे, ये मान के चलना कि वो अगर आपके बॉर्डर पे आई आपने उसे देखा ही नहीं। याद रखना अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, ना तो मेरा पॉलिटिक्स मेरा मकसद है, ना धर्म वो चीज मेरा मकसद है, मेरा मकसद मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी। किसी भी नेगेटिव न्यूज कास्ट रिलीजन को लेकर आपको इग्नोर, सोशल मीडिया पे अपना समय फिक्स करना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, सोशल मीडिया से पूरा बिजनेस डेवलप हो नहीं सकता है, अगर आप इस गलत फहमी हो तो आप गलती करोगे। सोशल मीडिया आपको कुछ लिंक देगा, कुछ लीड देगा जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तरीका तो वही होगा, फील्ड में रहो, प्लान करो, टीम के साथ रहो, वही होगा, बस सोशल मीडिया से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, तो सोशल मीडिया से बिजनेस नहीं होता, बहुत से लोग सोशल मीडिया से बैठ के पूरा नेटवर्क मार्केटिंग करने चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिक्स करो अपना टाइम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, बस इससे ज्यादा नहीं, कुछ भी नेगेटिव न्यूज को सपोर्ट नहीं करना, कोई भी नेगेटिव न्यूज किसी भी तरह, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे सुबह से शाम तक हमारा अपलाइन हमें पॉजिटिविटी में रहना सिखाते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं हम लोग, हम नेगेटिव न्यूज को फोकस ही नहीं करते, तो ये मान के चलो कि इन चीजों को हम इग्नोर देखते ही नहीं, कभी नहीं सपोर्ट करना, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं करना है, याद रखना। प्रोसेस क्या होती है सोशल मीडिया की, सबसे पहले तो आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल तैयार करना, आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल है, प्रोफेशनल होना चाहिए फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसी से लगेगा कोई भी आदमी किसी प्रोफेशनल के साथ ही, प्रोफेशनल के साथ ही आना चाहिए, फालतू के लोग तो बहुत बड़े पड़े हैं, फालतू की बकवास पोस्ट डालते हैं, प्रोफेशनल लोग चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं और कुछ वीडियो देखें, बहुत सारी टिप्स आपको मिल जाएंगी कि प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे डेवलप किया जाता है, तैयार करो उसको, उसके बाद उस पे एक रेगुलरली पोस्ट डालना शुरू करो, जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो मोटिवेशनल कुछ स्टोरी, मोटिवेशनल कुछ पोस्ट हमेशा डाल, सुबह डाल दिया और आधा घंटा शाम को कुछ पोस्ट करना है, ऐसा नहीं कि सारे दिन पोस्ट ही डाला, एक आधी पोस्ट डालो जिससे सामने वाले को लगे कि ये बंदे की, क्योंकि वो
अगर देख रहा तो दिन हर दिन आपका नाम उसे दिखना चाहिए कि हाँ रमेश हर दिन एक पोस्ट डालता है और इसकी पोस्ट देखने लायक होती है, अच्छी लगती है मुझे। इस तरह की आदत बना लो अपने उसमें अपनी कम्युनिटी में। नोटिस करो कि आपकी पोस्ट पर कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, ये नोटिस करो राइट। ये रेगुलरली इस पर नोटिस करो कि कौन से लोग हैं जो आपके पोस्ट को रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर जैसे वो कोई रिएक्ट करते हैं, किसी ने लाइक किया तो उसको आप थैंक्स बोल के रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जब आप किसी की पोस्ट पर रिस्पॉन्ड करते हो तो उसे अच्छा लगता है। फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोफाइल चेक करो कि कौन है जो मेरी पोस्ट को लाइक या कमेंट कर रहा है, उसकी पोस्ट के प्रोफाइल को आप देखो कि वो किस टाइप का इंसान है, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, कैसे उसको आपको अप्रोच करनी है। उसका प्रोफाइल चेक करने के बाद आप उसी टाइप के कुछ आर्टिकल्स निकालो, कुछ वीडियो निकालो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, और उसके पर्सनल मैसेजर पे जाके उनको आप भेजना शुरू करो। जो मैसेजर होता है उसको आप भेजो पर्सनल लेवल। उससे क्या होगा कि जब वो देखेगा, एक दो तीन बार आप डालोगे तो वो हो सकता है आपका कन्वर्सेशन उससे शुरू हो जाए, क्योंकि वो उसके पसंद की चीज आप उसको भेज दिखाओ, और जब वो उस चीज को देखेगा तो आपका कन्वर्सेशन शुरू होगा। जब कन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप उससे उसका मोबाइल नंबर मांग। अब पहले केस में भी आपने मोबाइल नंबर मैंने बताया था, ट्रेन में चलते हुए आपने लिया था, यहाँ पे भी है। करना क्या है, अब वो काम आ गया जिसके लिए हमें सारी मेहनत कर रहे थे। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, वो आपका थोड़ा बहुत दोस्त बन गया है, उसके बाद उससे बात करें, और बात करने के बाद उससे बोलना है, अगर ये देखना कि वो स्टूडेंट है, वो जॉब क्लास है, वो रिटायर्ड पर्सन है, कौन सी कैटेगरी का, अगर वो स्टूडेंट है तो उससे बात करना है कि यार मुझे आपकी ना हेल्प चाहिए, इस तरह से आप उससे बात करो। क्योंकि जब आप किसी से हेल्प लेते हो तो सामने वालों को अच्छा लगता है कि चलो मैं इस लायक तो हूँ कि किसी की मदद कर पा रहा हूँ, अच्छा आप बड़ा बना देते हो, तो वो कहेगा बताइए किस तरह की हेल्प चाहते हो। फिर आप बताओ कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पर काम करता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा हूँ जो अपनी पढ़ाई के बाद जो उनके पास एक एक्स्ट्रा समय बचता है, जो सोशल मीडिया पर वो मिसयूज करते हैं, बेकार करते हैं, मैं उस समय का इस्तेमाल करा के उनकी कुछ इनकम भी करा सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को ढूंढा जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने फालतू समय को यूज करना चाहते हैं। जॉब पर्सन है तो उसके साथ ऐसे बात करूँ कि मैं कुछ ऐसे जॉब पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो जॉब के बाद कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, आप मेरी प्लीज मदद कीजिए, कुछ ऐसे नंबर मुझे दीजिए जिनको मैं अपॉर्चुनिटी दिखा सकूँ। रिटायर्ड पर्सन होगा तो उसको बोलना है कि मैं कुछ ऐसे रिटायर्ड पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों अगर ये चीज आप बोलोगे तो अगर वो स्टूडेंट होगा तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा, मैं ही सुन लेता हूँ। जो पर्सन होगा तो क्या सोचेगा, मैं ही सुन लेता हूँ, पहले है क्या, हो सकता है मेरे ही काम की हो, यही तो हम चाह रहे हैं। हमने उसका अप्रोच किया लेकिन तरीका हमने थोड़ा सा चेंज किया, यही हम चाह रहे थे, वो यही सोच चाहेगा, और इस तरह से आप वो कहेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद आप जूम पे जाके या अगर मिल सकते हो तो मिलके आप अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाओगे। दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि किस तरह से आपकी गाड़ी को लगातार चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी। ये ईंधन पहले तो आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है, जो आपका जो सर्किल है उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो ये एक तरीका है, और इसमें इतना है कि आप कई जन्मों तक गाड़ियां चला सकते।